हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी चीज के बारे में जिनसे घुटनों की ग्रीस दोबारा पैदा हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे स्टेप जो हर इंसान इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है ऐसे ही कि इससे क्या होने वाला है। दोस्तों, ये ऐसे तरीके हैं जो हर एक इंसान को याद रखने चाहिए ताकि ये घुटनों का जोड़ों का दर्द हो ही ना। सर्दियों के दिनों में वैसे भी ये दर्द ज्यादा मुश्किल दायक हो जाता है। दोस्तों, आजकल अधिकतर लोग जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हैं। जोड़ों और घुटनों के दर्द की समस्या से आजकल ज्यादातर लोग परेशान है। पहले के समय में ये परेशानी बढ़ती उम्र के साथ होती थी। जोड़ों में घुटनों में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। घुटनों की ग्रीस का खत्म होना इसका मुख्य वजह है। उम्र बढ़ने के कारण घुटनों की ग्रीस कम होने लगती है, जिसकी वजह से चलने पर घुटनों से कटकट की आवाज आने लगती है, पैरों में लचक पड़ने लगती है। घुटनों में ग्रीस खत्म होती है तो इंसान को चलने में, उठने में, बैठने में तकलीफ होती है। जोड़ों के दर्द से बचने के लिए बाजार से मिलने वाली महंगी महंगी दवाइयां और औषधियों का इस्तेमाल तो आप कर चुके होंगे। आप चाहे तो कुछ उपाय और घरेलू नुस्खों के द्वारा भी घुटनों की ग्रीस को बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे ही सफल उपायों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि घुटनों के दर्द और उसकी तकलीफ के बारे में आखिर ये होती क्यों है। आजकल के गलत खानपान की आदत, फास्ट फूड ज्यादा खाने की आदत की वजह से हड्डियों को प्रॉपर न्यूट्रिशन और कैल्शियम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से छोटी उम्र में ही हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां घिसने लगती है, कमजोर हो जाती है, हड्डियों के बीच की ग्रीस खत्म हो जाती है। गलत खानपान की वजह और गलत लाइफस्टाइल की वजह से आजकल ये समस्या युवाओं में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा उम्र बढ़ने की वजह से भी शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। बुजुर्गों के अंदर जोड़ों में दर्द और घुटनों की ग्रीस के खत्म होने की समस्या साधारण सी है, बढ़ती उम्र में ये समस्या नेचुरल है। इसके अलावा ज्यादा स्ट्रेस लेना, रात भर भर जागना, गिरने से अगर आपके कोई घुटने में चोट लग गई है तब भी ग्रीस खत्म हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय से पानी अगर आप खड़े होकर ही पीते हैं, गट 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 करके पीते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी पानी पीने की आदत रखते हैं, तो ये समस्या बहुत जल्दी युवा में भी आ रही है। इसके अलावा डिब्बा बंद चीजें, जंक फूड ज्यादा खाने की आदत, लंबे समय तक ऐसी ही आदतें अपनाने से घुटनों की ग्रीस और जोड़ों की ग्रीस खत्म होने लगती है, ये समस्या पैदा हो जाती है। घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए और बरकरार रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा, हेल्दी डाइट लेनी होगी। एक ऐसी चीज का हमेशा ध्यान रखिए जो है हरे पत्तेदार, जो पत्ते होते हैं ना, वो घुटनों की ग्रीस को जल्दी बनाते हैं। इन सर्दियों के मौसम में वैसे भी हरे पत्ते वाली सब्जियां ज्यादा आती है, चीजें ज्यादा आती है, तो उनका फायदा जरूर लीजिएगा। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें जरूर खाएं। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। रोजाना अगर आप इस अखरोट का सेवन करते हैं तो ये घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने में बहुत ही पावरफुल भूमिका निभाता है। अखरोट का नियमित सेवन करने से घुटनों की सूख चुकी ग्रीस भी दोबारा पैदा हो जाती है, क्योंकि अखरोट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B6, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो ग्रीस को दोबारा पैदा करने में मदद करता है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 के अलावा बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो जोड़ों में मांसपेशियों में आने वाली सूजन को कम करने में मदद करते हैं। घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए काफी मददगार भी है, इससे जॉइंट भी मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, एक तो आपने अपनी डाइट के अंदर अखरोट जरूर शामिल करने हैं, इसके अलावा आप खाली पेट कभी भी दिन में एक बार कच्ची लहसुन का सेवन जरूर कीजिए। ऐसा करने से शरीर में जितना भी वात बढ़ा हुआ है वो शरीर से बाहर हो जाएगा। आप खाने के साथ कच्चा प्याज खाने की आदत डालिए। ये सिर्फ गर्मियों के दिनों में ही कच्चा प्याज नहीं खाया जाता, सर्दियों के दिनों में भी कच्चा प्याज अगर आप खाते हैं और हरे पत्तेदार वाली सब्जियों का सेवन करते हैं, जैसे कि पालक है, मेथी है, साग है, चौलाई है, तो आपके जोड़ हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। बस इतना ध्यान रखिए, साग का सेवन कभी भी रात के टाइम नहीं करें। इसके साथ ही आपको सौंठ और हल्दी का इस्तेमाल करना है। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि सौंठ और हल्दी का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। दोस्तों, वैसे तो आप सौंठ और हल्दी को पानी में या दूध में उबालकर सेवन कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों में जो अदरक आती है और हल्दी, ये
ये कच्ची रूप में बहुत ज्यादा मिलती है और कच्चे रूप में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो बहुत फायदेमंद होगा। आपने क्या करना है, अदरक को ले लीजिए, छील लीजिए और उसकी पतली पतली से एक स्लाइस से काट लीजिए। ऐसे ही जो कच्ची हल्दी आती है उसे भी आप पीसेस में काट लीजिए, इनको आपस में मिक्स कर लीजिए, काला नमक और हल्की सी मिर्च डालकर इसे कांच में किसी भी बॉटल में डिब्बे में डालकर रख लीजिए। डाइनिंग टेबल पर रखिएगा ताकि जब भी आप खाना खा रहे हैं सिर्फ दो कली ही आपने सेवन करना है, दो कली कच्ची हल्दी, दो कली ही आपने कच्ची अदरक का सेवन करना है। दोस्तों अगर ऐसा रोजाना अगर आप सेवन कर लेते हैं तो आपके जोड़ हमेशा ही मजबूत रहेंगे। जो सर्दियों के दिनों में ये ज्यादा तकलीफ देते हैं ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा आप नारियल पानी पीने की आदत डालिए। माना कि ये तासीर का ठंडा होता है, लेकिन तासीर का ठंडा तभी है जब आप इसे ठंडा फ्रिज में रख देते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर वाला पीते हैं तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, ग्रीस को दोबारा बढ़ाएगा। अगर आप फिर भी नहीं पीना चाहते तो आप नारियल खाना तो जरूर है, अब कैसे ले तो सूखा नारियल यानी जिसे ठूठी कहा जाता है उसका इस्तेमाल कीजिए। ठूठी आप रोजाना एक चम्मच जरूर इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से चबा चबा कर गुड़ के साथ दे सकते हैं, वैसे खा सकते हैं, बहुत फायदेमंद होगा। ये जोड़ों को मजबूत और एकदम से स्ट्रांग बनाता है, ग्रीस को दोबारा पैदा करता है। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।